साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे वैद्य ऋषि अर्शकल्प। साथियों वैद्य ऋषि अर्शकल्प एक आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॉपर्टी है, जो आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट जो है 100% आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर क्रूड ड्रग का मिश्रण है। साथ ही उसके बारे में बात करेंगे, वैद्य ऋषि अर्शकल्प है क्या, डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके इम्पॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, कंपोजिशन की बात करेंगे। साथियों वैद्य ऋषि अर्श जो है कंपोजिशन की बात करेंगे, डोजेस की बात करेंगे साथियों, एंड कंट्राइंडिकेशन वार्निंग की बात करेंगे। साथियों वैद्य ऋषि अर्शकल्प होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। वैद्य ऋषि अर्शकल्प इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रॉपर्टी। साथियों 100% आयुर्वेदिक, टूली सेफ है, किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, एंड यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स। साथियों पाइल्स जो हो जाता है, और इसको जो है हीमोराइड्स कहते हैं, हिंदी में जो है सर क्या कहते हैं, बवासीर कहते हैं। साथियों इसमें क्या होता है, पाइल्स दो तरह की होती है साथियों, एक खूनी बवासीर होती है और एक जो है बगैर खून के जो है बवासीर होती है, जिसमें डिस्कम्फर्ट होता है, इचिंग होती है, और जो है क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस होता है, तो उसमें उपयोग करने वाली ये दवा है वैद्य ऋषि अर्शकल्प। साथियों दिस कैप्सूल इज बेनिफिशरी फॉर ऑल टाइप ऑफ पाइल्स इंक्लूडिंग ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, जैसा कि अभी साथियों बताया, एंड इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम दी सिम्टम्स लाइक पेन, डिस्कम्फर्ट, बर्निंग सेंसेशन, एंड इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट फॉर दी एनोरेक्टल डिजीज सच एज फेस्टुला इन एनो। साथियों फेस्टुला इन एनो कहते हैं, एनोरेक्टल डिजीज में भी उपयोग करता है। साथियों जिनको जो है पाइल्स होता है, जिसमें ब्लड निकलता है, उसके साथ साथ क्या होता है, बहुत लोगों को ऐसे लक्षण होते हैं जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आजकल की लाइफ में, भाग दौड़ की जिंदगी में जो है क्या होता है कि पेट साफ नहीं होता है, और उसमें क्या होता है कि जब पेट साफ नहीं होता है तो उनको जो है बार बार ऐसा लगता है कि मतलब लैट्रिन जाने का मन करता है पर होती नहीं है। उस ऐसे केस में क्या होता है कि पाइल्स तो नहीं होता है, पाइल्स के लक्षण आ जाते हैं, उसमें क्या होता है, इचिंग होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, इन्फ्लामेशन होता है, एंड बर्निंग सेंसेशन होता है। ऐसी भी समस्या में वैद्य ऋषि अर्शकल्प जो है दवा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी इस्तेमाल मिलेगा। साथियों इसमें क्या होता है कि वैद्य ऋषि अर्शकल्प पाइल्स के साथ साथ अदर जो है चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से इसको रिकमेंड करते हैं। बहुत से इसके हिडन जो है यूजेस हैं, क्योंकि इसमें आयुर्वेदिक बहुत अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन मिले हैं। साथियों यूजेस की अगर हम बात करेंगे तो साथियों पहले जो है इसको जान लें, वैद्य ऋषि अर्शकल्प साथियों जो है एक दिल्ली की कंपनी है। साथ ही साथ इसकी जो MRP है साथियों जो इसकी MRP है 112 रुपये, जिसमें जो है 6 कैप्सूल होते हैं, इस तरह से एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम, कहने का मतलब है 3 डेज की डोज होती है, और साथ ही साथ इसमें वैद्य ऋषि अर्शकल्प ऑइंटमेंट होता है लगाने के लिए। साथियों ये जो है सभी आयुर्वेदिक एंड एलोपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। साथियों यूजेस की बात करेंगे, जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया कि पाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है, फेस्टुला इन एनोरेक्टल जिसमें इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ हाई कोलेस्ट्रॉल जिनको हो जाता है, डॉक्टर अपने हिसाब से जो है इसको रिकमेंड करते हैं, जिनको ज्वाइंटिस हो जाता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ एंटी हीमोरेजिक जिनको ब्लड निकलता है और पाइल की तरह लक्षण होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जो सूजन हो जाती है, पेट साफ नहीं होता है तो जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टीज़ इसमें है। साथियों इसमें क्या होता है, एनल में अगर ब्लीडिंग हो रही है उसमें इस्तेमाल होता है, एनल में पेन हो रहा है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, एंड एनल में इचिंग विद एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बाहर और अंदर जो है पाइल्स में जो है क्या कहते हैं कि इचिंग होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, और फिशर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इसके अंदर ऐसे कॉम्बिनेशन मिले हैं कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन की प्रॉपर्टी है, एंड हेपेटोप्रोटेक्टिव, क्योंकि प्लांट के एक्सट्रैक्ट हैं, हम अभी कंपोजिशन में साथियों बताएंगे, एंड एंटी हेलमेंथिक, हेंटल्टिंग मतलब क्या होता है, जो पेट के कीड़े हैं वो भी निकल जाते हैं, साथ ही साथ ये लग्जेटिव का काम करता है, अगर रात में सोते वक्त इस कैप्सूल का सेवन किया जाएगा तो मॉर्निंग में ये पेट एकदम से साफ हो जाएगा। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो 100% आयुर्वेदिक है, नेचुरल है, तो इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है साथियों। साथ ही साथ हम इसके कंपोजिशन की बात करेंगे साथियों,
जब भी आप परचेज करेंगे साथियों, तो इसमें कंपोजिशन दिया है आप देखेंगे, अदरवाइज संक्षिप्त में हम बात बताएंगे। जैसे इसमें नीम मिला है, नीम साथियों जो इसका नीम जो ट्री होता है उसका एक्स्ट्रैक्ट मिला है, नीम की छाल इसमें जो है मिली हुई है जो कि एंटीसेप्टिक होती है, नीम इंसेक्टिसाइड भी होता है, एनाल्जेसिक होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखता है, लग्जेटिव का भी वर्क करता है। तो ये बहुत ही अच्छी क्रूड ड्रग इसके अंदर मिली हुई है। साथ ही साथ इसमें काली मिर्च मिली है जिसको हम पीपर निग्रम भी कहते हैं, बायोलॉजिकल सोर्स होता है साथियों। ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, एनाल्जेसिक होती है, एंटी क्या कहते हैं कि इन्फ्लामेटरी भी होती है साथियों, एंटीसेप्टिक एंड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है साथियों। चित्रक इसमें मिला होता है, चित्रक जो है एपिटाइजर होता है एंड डाइजेस्टिव फ्लैचुलेंस जैसे गैस वगैरह बनती है उसको निकालता है, डायरिया नहीं होने देता है। एंड नाग केसर इसमें मिला है, सौंठ मिली है, दालचीनी मिली है, हरदिकी मिली है साथियों, और इसमें दारू हल्दी मिली है जिसको जिंजिबर ऑफिसिनेल भी कहते हैं, जो अमीबिसाइडल होता है, फंगीसाइडल होता है एंड बैक्टीरियसाइडल होता है। तो इस तरह का जो है आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन मिला है। तो इसके साथ साथ बहुत तरह के यूजेस हैं जो डॉक्टर अपने हिसाब से इसको रिकमेंड भी करते हैं साथियों। एमआरपी जैसा कि पहले ही बताया, डोज की हम बात करेंगे तो साथियों ये जो है आप जब भी परचेज करेंगे तो उसके अंदर जो है 6 कैप्सूल निकलेंगे इस किट के अंदर। ये किट है साथियों, और ये क्रीम ऑइंटमेंट मिलेगा, ऑइंटमेंट को साथियों इसको लगाना है, और कैप्सूल मॉर्निंग इवनिंग 3 डेज का डोज होता है, 3 दिन में ही इसका रिस्पांस मिलता है इसको इस्तेमाल करने से साथियों। कंट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग की इसकी बात करेंगे तो क्या है, डू नॉट एक्सेप्ट इट्स द मैजिक रेमेडी साथियों। जब भी इसको इस्तेमाल करें तो ये ना सोचें कि ये कोई एक जादू की तरह है कि तुरंत आप ठीक ही हो जाएंगे। उसमें होता क्या है साथियों, बहुत तरह की जो है क्या कहते हैं कि चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं उसमें साथियों, जो है मतलब फास्ट फूड जो है नहीं खाना होता है, साथ ही साथ पानी का जो है मात्रा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है, और जो है डाइटरी फाइबर्स जो है लेना रहता है साथियों। मेक नेसेसरी डाइटरी फाइबर्स चेंज, मतलब अपने अकॉर्डिंग नहीं, डॉक्टर जो बताएंगे उसके हिसाब से खाना है, और कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, रात में क्या है कि लैक्टुलूज या इस तरह की चीज़ें लेनी है या इस सब गोल लेना है, और इसको हमेशा जो है मतलब कीप इन स्टोर इन कूल एंड लाइट प्लेसेस साथियों, मतलब डार्क लाइट में रखना है, बहुत ज़्यादा रोशनी में या सनलाइट में नहीं रखना है। और साथियों जब भी इसका इस्तेमाल करें तो होल ग्रेन्स जो है खाएं, और सेरल्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। एंड साथियों क्या होता है कि जब भी डायरिया हो ऐसे केस में इसका कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, जब डायरिया ठीक हो जाए तभी इसका इस्तेमाल करें। तो साथियों ये कंट्रा इंडिकेशन एंड वार्निंग थी साथियों। इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। नमस्कार।